तो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर एक और नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक जनरली सभी के लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अपने नेक गैप को फिल करने के लिए। तो फ्रेंड नेक गैप में होता क्या है, जो हमारे गर्दन के नीचे दो हड्डियाँ निकली होती हैं बाहर, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ये जनरली सबके पर होती है, मतलब जो कमज़ोर होते हैं ना उनके होती है। तो फ्रेंड इनको ठीक करने के लिए मैं ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिनसे आप अपनी हड्डी के पास फैट जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही एक्सरसाइज करके आप इन्हें दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाली है, इसमें आपको ईंट की जरूरत पड़ेगी या फिर आप डंबल से भी कर सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरीके से करना है, जिसमें आपका पीछे का सरफेस थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इस तरीके उसके लिए ईंट यूज़ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, अभी मेरे पास है नहीं। उसमें आपको कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी है, ये हो जाना है, और फिर इसमें ये लगानी है। इस एक्सरसाइज से जो अपर चेस्ट फोर्स पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो क्लेज बोन होती है, मतलब कि नेक गैप जो होता है, नेक हड्डी, उस पर फैट जमा होने लग जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करें, इसके आपको कम से कम 20-25 रिपीटेशन के 3 सेट लगाने हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ईंट का यूज लेना है, और फिर कैसे करना है, आपको ईंट को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, और फिर कुछ इस तरीके से करना है यहाँ पर ईंट। आप ईंट को आप तरीके से पकड़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 20-25 रिपीटेशन लगाने और इसके 3 सेट लगाने हैं। अगर फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी ठीक हो सकती है। फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं आप सबको एक सीक्रेट चीज़ बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको एक्सरसाइज के साथ अच्छी डाइट लेनी है, तो फ्रेंड डाइट पे और एक्सरसाइज करें, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको ईंट को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, और फिर इस तरीके से पकड़ के कुछ इस तरीके से करना है। इसमें एंगल भी कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज के 20-25 रिपीटेशन लगाने हैं और 3-4 सेट लगाने हैं। जितने अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आपकी जल्दी फोर्स पड़ेगा और इतनी जल्दी फैट जमा होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, ईंट को तरीके से पकड़ लेना है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर लाना है, अपनी चिन छोटी के पास ले जाना है इस तरीके से। एक्सरसाइज की 25 रिपीटेशन और 3-4 सेट। इन एक्सरसाइज से क्या होगा, अपर चेस्ट पे फोर्स पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो क्लेविकन बोन है उसके पास फैट जमा होने लग जाएगा और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज अच्छे से करें और उसके साथ साथ डाइट पर ध्यान दें, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम 10-15 दिन में ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की, जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है वो तो आप कर सकते हैं ठीक और अपनी प्रॉब्लम को करें ठीक। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दिए, हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल के लिए सब। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।